जय हिंद दोस्तों, सेवा एमपी ऑनलाइन में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम जब भी आते हैं नई इन्फॉर्मेशन के साथ आते हैं। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें, जिससे कोई भी नया वीडियो अपलोड करें वो आपको सबसे पहले पहुँच सके। जी हाँ दोस्तों, आज हम एक और नई इन्फॉर्मेशन आपके साथ साझा करने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इंडिया पोस्ट ऑफिस ने जो अपनी जो नई वैकेंसी है वो एक बार और जारी कर दी है। जी हाँ दोस्तों, इंडिया पोस्ट ऑफिस की जो वैकेंसी है वो आ चुकी हैं और ये जो वैकेंसी आई हैं वो बहुत ही बेहतरीन वैकेंसियाँ हैं। इसमें आपको जो भी सिलेक्शन होता है वो मेरिट के अनुसार होता है। 10th की जो परसेंटेज होती है उसके अनुसार होता है। अगर आपकी परसेंटेज 10th क्लास में अगर अच्छी रहती है तो आप इस फॉर्म को ज़रूर भरें, क्योंकि इसमें ना तो कोई इंटरव्यू होता है ना कोई टेस्ट होता है। जो कुछ भी है इसमें जो फॉर्म भरे जाते हैं इसके उसके बाद जो इसका सिलेक्शन प्रोसीजर रहता है वो मेरिट बेस के अनुसार रहता है। इसके जो फॉर्म वो कब से भरे जाने हैं, इसकी जो लास्ट डेट है वो क्या रहने वाली है, इसकी जो फीस लगने वाली है, उसकी आज हम पूरी जानकारी आपको देने जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि हम आप सरकारीरिजल्ट.com की साइट पर आ चुके हैं। यहाँ पर एकदम जेन्युइन साइट है और इस पर यहाँ पर कोई भी फेक जानकारी आपको नहीं दी जाती है। तो आज हम आपको इसी के साइट से इंडिया पोस्ट की जो वैकेंसी है वो आपके साथ साझा करने जा रहे हैं। अब हम इसके जो फॉर्म भरने की जो स्टार्टिंग डेट की बात करें, इसके जो फॉर्म भरने की जो स्टार्टिंग डेट जो रखी गई है वो 3 अगस्त 2023 रखी गई है। वहीं इसकी जो लास्ट डेट फॉर्म के भरने की करें तो इसकी जो लास्ट डेट है वो 23/8/2023 रखी गई है। और वहीं पे एग्ज़ाम फीस लास्ट डेट, इसकी जो फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है उसकी जो फीस की जो लास्ट डेट रखी गई वो 23/8/2023 रखी गई है। और वहीं इसके में के जो फॉर्म में जो करेक्शन अगर करना है तो इसके जो करेक्शन की डेट दी गई है वो 24 से 26 अगस्त दी गई है। अभी इसमें जो मेरिट लिस्ट रिजल्ट वो कब आएगा इसकी अभी जानकारी नहीं दी गई है। और अगर हम इसके फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें जो फीस लगने वाली है वो जनरल कैटेगरी को 100 रुपीज़ और ओबीसी कैटेगरी को 100 रुपीज़ लगने वाली है। और जहाँ तक हम एससी एसटी और फिजिकल हैंडीकैप की बात करें तो इसकी जो फीस लगने वाली है वो निःशुल्क होने वाली है। और वहीं ऑल इंडिया जो फीमेल की बात करें तो यहाँ पर इसकी जो फीस लगने वाली है वो 0 लगने वाली है। और इसकी जो फीस जो कटेगी वो हम नेट बैंकिंग डेबिट कार्ड किसी से भी पे कर सकते हैं। अब हम इसकी जो एज की बात करें तो इसमें जो एज क्या रहने वाली है इंडिया पोस्ट जीडीएस में, तो इसकी एज की बात करें तो इसमें जो मिनिमम एज है वो 18 साल है। और वहीं इसकी जो मैक्सिमम एज की बात करें तो इसमें जो मैक्सिमम एज है वो 40 साल रखी गई है। और इसकी जो टोटल वैकेंसियों की बात करें तो इसमें जो टोटल वैकेंसी हैं वो 30,041 पोस्टें दी गई हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ी वैकेंसी है। आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें जो सिलेक्शन होने वाला है वो टोटल मेरिट बेस से के अनुसार होने वाला है। आपकी इसमें अगर परसेंटेज 10th क्लास में जो परसेंटेज होती है अगर अच्छी है तो उसके अनुसार आपका काम 100% होने वाला है। अगर इसकी जो वैकेंसी की बात करें तो ये जो वैकेंसी हैं ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस के अंतर्गत आती हैं। और इसकी जो टोटल वैकेंसी हैं 3,041 रखी गई हैं। अगर हम क्वालिफ़िकेशन की बात करें, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी जो क्वालिफ़िकेशन क्या दी गई है, इसमें क्लास 10th स्कूल विथ मैट्रिक मैथमेटिक एंड इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट, कहने का मतलब ये है कि आपका 10वीं क्लास पास होना चाहिए और उसमें मैथ और इंग्लिश में से कोई एक सब्जेक्ट कंपलसरी होना अनिवार्य है। और जिस भी राज्य से आप फॉर्म भरते हैं उसकी आपको लोकल लैंग्वेज आना अनिवार्य है। और इसकी जो अधिक जानकारी है इसके आप नोटिफिकेशन में जाके चेक कर सकते हैं।
वहीं हम वैकेंसियों की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं उत्तर प्रदेश और मैं जो वैकेंसी है इसकी 3084 दी गई हैं। इसकी जो लैंग्वेज है वो हिंदी है। आप यहाँ पर जिस भी भाषा में अधिक आपको ज्ञान है उसी राज्य में आप फॉर्म भरें तो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि अदर स्टेट में भरते हैं जहाँ पर आपको लैंग्वेज की प्रॉब्लम होती है तो फिर वहाँ पर आपको नौकरी करने के लिए भी परेशानी होगी। इसलिए आप जो भी लैंग्वेज अच्छी तरह से प्रॉपर जानते हैं आप वही लैंग्वेज के लिए आप में अप्लाई करें और उसी राज्य के लिए अप्लाई करें। तो आप यहाँ पर वैकेंसियों को देख सकते हैं, जो सभी टोटल वैकेंसियाँ आप एक जारी वाई जारी करके एक एक से देख सकते हैं। वैकेंसियाँ बहुत ही अच्छी हैं, इसलिए आपसे अनुरोध है कि जितना जल्दी हो इस फॉर्म को भरें और ये जो जानकारी है अपने दोस्तों के साथ साझा करें। दोस्तों आप अगर आपको हमारा चैनल ज़रा सा भी अच्छा लगे तो आप इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम जो कोई भी नया नोटिफिकेशन डालते हैं वो सबसे पहले आप पर पहुँच सके। धन्यवाद।